हाल ही में खबरें आई हैं कि काजोल हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, जिनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, जिसके चलते काजोल की तबीयत को लेकर सभी परिवार वाले और बॉलीवुड के कई सितारे भी चिंताओं में घिरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काजोल के हॉस्पिटल में एडमिट होने पर इनके फैमिली वाले परेशान तो हैं ही, मगर अजय और बेटी न्यासा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है, जिन्हें देखकर आप भी काफी इमोशनल हो जाएंगे। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर काजोल को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें इतना शॉर्ट नोटिस पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, और अजय और न्यासा के रोने के पीछे का असली रीजन क्या है। मगर ये सब जानने से पहले आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ये सब खबरें सामने आ रही हैं कि काजोल को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, क्योंकि काजोल की तबीयत काफी ज्यादा सीरियस है और इनकी सीरियस तबीयत को लेकर सभी काफी ज्यादा परेशान हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत तो इनके फैमिली मेंबर्स को हो रही है। पर आप सभी को इस बात की पूरी सच्चाई नहीं पता होगी, इसीलिए हम आपको बता दें कि सैटरडे को खबर आई है कि काजोल कोविड पॉजिटिव निकली है, जिसकी खबर खुद काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी है। जी हाँ, काजोल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें इन्होंने लिखा है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। साथ ही काजोल ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि वो नहीं चाहती कि कोई भी उन्हें रोते हुए देखे और कोई परेशान हो, इसीलिए वो चाहती हैं कि सभी अपने फेस पर स्माइल रखें। साथ ही काजोल ने अपनी पोस्ट में अपनी बेटी का भी जिक्र किया है और लिखा है कि न्यासा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही है। जिसके बाद खबरों के अनुसार जब ये सब कुछ अजय और न्यासा को पता चला तो उन दोनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दोनों ही अंदर से बुरी तरह से टूट गए हैं, साथ ही दोनों काफी ज्यादा डर भी गए हैं, क्योंकि अजय काजोल से बहुत प्यार करते हैं, जिनका इस 22 सालों में एक अटूट रिश्ता बन गया है। वहीं न्यासा अपनी माँ से इतना प्यार करती हैं कि उनके बिना रहना तो दूर वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, तभी तो दोनों बेहिसाब रोए जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी काजोल की इस हालत को लेकर काफी परेशान हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।